लेकिन दोस्तों अभी मैं जिस दुकान पे खड़ा हूँ, आप वहाँ पे अपनी पुरानी ई रिक्शा को देकर नया ई रिक्शा को परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं बिग बॉस यहाँ पे शोरूम पे आया हूँ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो पुरानी ई रिक्शा चलाते चलाते पूरी तरीके से खराब हो चुका है, आप यहाँ से क्या करिए, उस ई रिक्शा को यहाँ पे ले आइए और इसके बाद आप तुरंत नया ई रिक्शा को यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी ई रिक्शा खड़ी हुई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पुराना ई रिक्शा है, यहाँ पे कोई कस्टमर आया था अपने पुराने ई रिक्शा को देकर तुरंत नया ई रिक्शा ले चला गया। तो कैसे ई रिक्शा जो नया मिल रहा है और पुराना यहाँ पे लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, कितना पैसा देकर आप नया ई रिक्शा को परचेज कर सकते हैं, तो चलते हैं सिंपली ओनर से बात करते हैं और सर से पूछते हैं कि ये ई रिक्शा कैसे वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सर बैठे हुए हैं। हेलो सर, कैसे आप? सर बढ़िया। सर सुन रहा हूँ आप नया ई रिक्शा दे रहे हैं लोगों को, पुराने ई रिक्शा लेकर। जी जी, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। ऑफर चल रहा है सर? जी जी, पुराना ई रिक्शा ले आइए, नया ई रिक्शा ले जाइए आप। क्या बात है सर। तो सर जो आप पुरानी ई रिक्शा को ले रहे हैं, नया ई रिक्शा दे रहे हैं, क्या पैसा कुछ ले रहे हैं कि वैसे ही दे दे रहे हैं? नहीं नहीं, जो आप पुराना ई रिक्शा आपके पास आएगा, आप लोन कराना चाहते हैं, तो ये पुराना ई रिक्शा डाउन पेमेंट के थ्रू वो हो गया, डाउन पेमेंट ये हो गया, और बाकी लोन बन जाएगा 7600 की EMI हमारी बन जाएगी। तो ये इसमें जो पुरानी आप ई रिक्शा ले रहे हैं सर, उसमें कुछ सारी चीज़ें पार्क रहना चाहिए या कुछ रहे या ना रहे, सिर्फ गाड़ी रहे? नहीं नहीं, इसमें आपका गाड़ी चालू हालत में हो चाहे ना, लेकिन बैटरी होनी चाहिए। अच्छा, गाड़ी में और कंडीशन चाहे जैसी भी हो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। गाड़ी का हर एक पार्ट बेच खाइए पर बैटरी होना चाहिए। जी जी जी, बैटरी होनी चाहिए, बैटरी भले ही खराब हो, बैटरी कोई दिक्कत, बैटरी होनी चाहिए आपकी। अच्छा, और भले कुछ भी कबाड़ हो आप ले आइए, ये पैसा आपका कम से कम मैं 40,000 में खरीद लूंगा गाड़ी आपकी। समझ सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी, पूरी पार्ट आप बेच खाइए, अगर बैटरी लगा हुआ है तो भी यहाँ पे खरीद लिया जाएगा, ठीक है। आपके गाड़ी के ई रिक्शा के कंडीशन के हिसाब से खरीदा जाएगा, नहीं तो आप एक सिंपल बैटरी देकर आप सोचेंगे बेच लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे सर कई सारे ई रिक्शा खड़े हुए, आप इसके फीचर और क्वालिटी के बारे में बताइए जिससे कि लोग इसको परचेज कर सके। जी जी, ये हमारा ये ई क्रांति गजराज लोडर है। लोडर गाड़ी यहाँ पे आ जी लोडर ले आए हैं, बहुत ही उमदा गाड़ी है, एक बार अगर ये कस्टमर देखेगा बिना ले जाएगा नहीं। मैं आपको इसका फीचर दिखलाता हूँ, यहाँ पे देखिए भाई फीचर्स भाई। ये देखिए आप हमारा ये देखिए, पहले ये डाला, आप सामान वगैरह लाते होंगे और उतारने में दिक्कत होगी, तो आप ये देखिए हाइड्रोलिक पे दिया गया, साकर पे आप। अच्छा भाई, इसको उठा सकते हैं? ये देखिए, ये एक हाथ से आप, एक हाथ से हल्का पुश करिए आप, ये देखिए हमारे साकर पे। ये सर इसमें जो डाले की गहराई है, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? ये 6x4 का डाला है। अच्छा सर, अपनी गहराई भी देख लीजिए, बहुत ही है, 10 क्विंटल आप माल इस पे आराम से ला सकते हो। सर इसकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि अगर जैसे होता नहीं कि दरवाजा रखना होगा तो इसमें दरवाजा आराम से पूरा आ जाएगा, पूरा आ जाएगा इसमें आराम। आप इसमें चाहे जितना ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये डाले की गहराई है और इसमें आप 10 से 15 क्विंटल आराम से ला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतना मजबूती के साथ बैटरी दिया गया है, कंट्रोलर दिया गया है, इसका जो मोटर लगा है काफी हैवी लगा हुआ है, काफी हैवी 1500 वाट का मोटर लगा हुआ है हमारा। 1500 वाट का? जी जी, 1500 वाट का मोटर, कंट्रोलर मोटर इसमें दोनों दिया गया हुआ है। और एक नया चीज आप इसमें ये देख पाओगे, ये गाड़ी हमारी ये डबल कमानी पे भी है। अच्छा, ये जो कमानी घर लगा हुआ है? हाँ, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं डबल कमानी लगा, डबल कमानी पे गाड़ी दी गई हुई है, पूरा मजबूत। जो पहले गाड़ी आती थी वहाँ पे सिंगल कमानी दिया गया था। पर इसमें जो दो कमानी लगाने के रीजन क्या है? ये दो कमानी लगाने का ये रीज़न है इसमें, क्योंकि इसमें माल आप ज़्यादा से ज़्यादा भर सकें और मजबूती भी बहुत ही ज़्यादा इसमें रहेगी आपकी। अच्छा सर, इसमें जो मोटर लगा है सर, मोटर कितने वाट का है? ये 1500 वाट का मोटर लगा हुआ है हमारा। अच्छा सर, ये पहले जो गाड़ी में सिर्फ 1200 वाट का, पहले गाड़ी में जो लगी रहती थी, अब ये 1500 वाट का है। आप माल लादोगे, कहीं चढ़ुआ पे गाड़ी चढ़ रही है तो एक बार में आप चढ़ा ले जाओगे, हिचकी नहीं लेगी गाड़ी आपकी। अच्छा सर, ये जो टायर इसमें लगा है, ये टायर की कितनी गारंटी होती है? ये हमारा रालको टायर है, ये 15 महीने की गारंटी है। ये 15 महीने में कुछ भी इसका टायर का जो भी गोटी अगर झर जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको नया टायर दिया जाएगा। ये हमारा ये देखिए खूबसूरत कलरदार बिल कैप भी दिया गया हुआ है, जो कार स्टाइल है पूरा, समझ रहे हैं। तो सर ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये डाला यहाँ पे पूरा बनाया गया है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। सर इसमें पूरा डिस्प्ले दिया गया है?
पूरा चीज इसका डिजिटल दिया गया हुआ है, पूरा सिस्टम इसका डिजिटल दिया गया है, यहाँ पे डिजिटल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप ये पूरा सारी चीजें आपके डाले में भी यहाँ पूरा डिजिटली आ चुका है, जिस तरीके से मोबाइल में नया नया अपडेट आता रहता है AI थ्रू हो चुका है, ऐसे इसमें आ चुका है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू आपका ई रिक्शा बन चुका है। सर इसमें जो कंट्रोलर लगा है कितने वाट का लगा है? ये भी हमारा 1500 वाट का कंट्रोलर लगा हुआ है। अच्छा 1500 वाट का है? जी जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1500 वाट का कंट्रोलर लगा हुआ है। इसके साथ ये सारा सामान इसका टूल्स है इसी गाड़ी के साथ। अच्छा सर, ये पूरा सामान इसमें मिलता है, फायर ब्रिगेड हो गया है, फायर हो गया, जग हो गया, ये सर ये पूरी सारी चीजें यहाँ पे रखा गया है। और इसमें इसके साथ साथ यहाँ पर NCB लगाए हुए हैं। NCB भी आपका लगाया हुआ है, जैसे गाड़ी कभी फॉल्ट कर कुछ भी खो जाता है तो NCB द्वारा पूरा, जैसे आपने घर वगैरह में दिया होगा कुछ भी स्पार्क करता है NCB गिर जाती है तो कुछ आग वगैरह नहीं लग पाती, वही सिस्टम में गाड़ी में दे दिया गया हुआ है। अगर थोड़ा बहुत कुछ भी हल्का चिंगारी भी फेंकती है तो ऑटोमेटिक ये गाड़ी पूरी बंद हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे ये चार्जिंग का सुविधा दिया गया, चार्जिंग का सुविधा भी आप दिया हो, चार्जिंग ये हाँ यहाँ चार्जिंग आप लगा सकते हो। जी सर, तो सर ये क्या है? ये हमारा हैंड ब्रेक है। अच्छा हैंड ब्रेक है, जैसे कि गाड़ी ले जा रहे हैं, हाँ हाँ कहीं तो अगर बीच में रोकना होगा तो आप इसको ब्रेक लगा के आप रोक सकते हो। ईटा लगाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, दोनों चक्का ये पकड़ लेगा। यस सर, काफी बढ़िया फीचर दिया गया है इसमें। और सर साकर की मजबूती बहुत, साकर दिख रहा है, हमारा साकर भी बहुत ही मजबूत दिया गया हुआ है इसमें। अच्छा सर, बहुत ही ज्यादा, इसका आप तार वगैरह देखेंगे बहुत ही मोटे पे दिया गया हुआ है। अच्छा सर, बहुत ही मजबूत दिया गया हुआ है, इतना ऊपर से यहाँ पे उठ रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है, ये साकर की इतनी ज्यादा मजबूती इसमें दिया गया है। सर इसके बाद यहाँ पे आपके पास सवारी गाड़ी भी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ ये हमारी सवारी गाड़ी भी है। अच्छा सर, ये दो मॉडल में हमारा ये गाड़ी है, एक स्टील मॉडल है एक लोहिया मॉडल है। अच्छा सर, सर इसमें क्या खासियत है? इसमें भी हमारा आप देख सकते हो कि स्पेस वगैरह भी इसमें बहुत ही अच्छा दिया गया हुआ है। स्पेस इसमें बिग बॉस में बहुत ही ज्यादा स्पेस दिया हुआ है, की देख सकते हैं इतना दो लोग बैठ के भी आपका आपस में पैर वगैरह जो लड़ता है वो लड़ेगा भी नहीं, लेकिन स्पेस बहुत ही खूबी दिया गया। बहुत सारे ई रिक्शा में देखते होंगे सर कि यहाँ पे बस बहुत ही कम स्पेस, बहुत ज्यादा एक फीट देता है, बट इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया है, आप बैठ सकते हैं और अगर कोई सामान छोटा मोटा लिया है वो भी आप रख सकते हो। बाकी एक सामान के भी देखिए ऊपर दिया गया हुआ है हमारा। अच्छा, यहाँ पे सामान रखने के लिए बनाया गया है। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे आपको पर्दा भी मिल जाएगा, पर्दा भी मिल जाएगा, आप यहाँ कई पार्ट में दिए गए, आप इसे खोल कर चैन बंद करके आप धूप से पानी से आप बच सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे डीजे का भी सुविधा दिया गया है, म्यूजिक सिस्टम भी दिया गया हुआ, चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सारा चीज़ें दिया गया, पंखा भी हमारा दिया गया हुआ है। आप गर्मी में चलाते रहिए राजा बन के और आराम से हवा लेते रहिए, ये दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सारा सुविधा यहाँ उसमें दिया गया है। और डीजे जो दिए का सर काफी हैवी दिया गया है, डीजे हमारा काफ़ी हैवी दिया गया हुआ मनोरंजन के लिए, कि आप भी सुनिए सवारी भी सुने, सवारी ताकि मजा लेते सारा चले सिस्टम। मजा आप देखते इस तरीके से फैन लगाया गया है, क्योंकि बहुत सारे रिक्शा में इस तरीके से सारा सुविधा नहीं दिया रहता है, ये जो सुविधा दिया गया है सिर्फ बिग बॉस कंपनी में दिया गया है, ठीक है, बिग बॉस ई रिक्शा में दिया गया है। सर इसमें जो डिजिटल मीटर दिया है इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। ये हमारा पूरा स्क्रीन पर शो करेगा, स्पीड से लेकर के बैटरी और ये देखिए हमारा मोटर कंट्रोलर कुछ भी जैसे खराब होता है तो स्क्रीन पे शो कर जाएगा आपके, यहाँ ये चीज़ खराब। अच्छा, है अगर इसमें कोई भी पार्ट खराब हो जाता है तो ये सारी चीज़ें इसमें शो कर जाएगा कि हाँ ये पार्ट खराब है, आप जाएंगे मकैनिक आपको ढंग नहीं पाएगा। हाँ, तो आप खुद उसे बता दो कि मेरा यार ये प्रॉब्लम, आप इसको सही करो, मकैनिक आपको ठग नहीं पाएगा। ये सारी चीजें दिया गया है। और सर इसमें स्टाइलिश के लिए यहाँ पे लट्टू लगा दिया गया है, स्टाइलिश में इसका लट्टू भी यहाँ लगा दिया गया हुआ है। ये इससे बहुत थोड़ा सा यूनिक लगने लगे। ये सर ये है, देख सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। बाकी यहाँ पे लाइटिंग देखो भाई, ये पूरा LED लाइट लगा हुआ है, पूरा LED लाइट इसलिए लगा दिया गया जिससे कि आपकी बैटरी की खपत जो है कम हो जाए और यहाँ पे देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे लाइट लगा दिया है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर भी लाइट लगाया गया है, LED लाइट यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें सुधर दिया गया है, ऐसी कोई भी पार्ट नहीं होगा जो कार में दिया हो और ई रिक्शा में मत दिया हो, इस तरीके से यहाँ पे सुविधा दिया गया है। सर इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भी LED लाइट दिया गया है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक बीच में लाइट दिया है येलो कलर का, जिससे कि रोशनी काफ़ी दूर तक जाएगा, ठीक है। और इसमें आप साकर देख ही सकते हैं जिस तरीके से डाले में यहाँ पे दिया गया था उसी तरीके से इसमें दिया गया है। सर आपने अभी लोडर गाड़ी के बारे में और सवारी गाड़ी के बारे में बताया, और पुरानी ई रिक्शा जो आप परचेज कर रहे हैं
उसके बारे में आपने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सर अगर किसी को लेना है तो आपके कई सारे ब्रांच हैं, तो आप उसके बारे में बताइए जरूर। अगर कोई गाड़ी बेचना चाहता है खुद, अगर दुकान खोलना जिसे आप बोलते हैं दुकान या सब डीलर लेना चाहता है, तो हमसे संपर्क करे, दो चार गाड़ी जितना भी उसके पास बजट हो तो वो खोल सकता है और महीने में लाखों कमा सकता है आराम से। दो चार गाड़ी, दो लाख तीन लाख से स्टार्ट कर सकता है ये बिजनेस। तो सर आपका कई सारे शोरूम है? मेरा कई सारा ब्रांच है हमारा जी सर। पहला जैसे ये हमारा मेन हेड ऑफिस तो एक फाफमो नई बस्ती, और एक हमारा कमला नगर ब्रांच है, एक हदगाह में हमारा ब्रांच, ठीक है। जहाँ हमारा जो भी वीडियो भी देखता है और वो सोचता है यार मैं खुद रिक्शा बेचूँ तो इसमें प्रॉफिट है, तो हाँ ठीक प्रॉफिट है आपको। अगर दो चार लाख आप लगाते हो इसमें तो महीने का आप लाख रुपए तो आपका कहीं नहीं गया, आराम से बचा लो। तो आप इस तरीके से अपने दुकान को भी खोल सकते हैं? अपने दुकान को भी सारा पेपर कागज कार्रवाई लोन वगैरह सारा सिस्टम मैं कर दूंगा आपका, आप खाली गाड़ी ले जाइए, खाली सेल करिए बस। तो सर ने अभी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया, तो अगर आपको ई रिक्शा लेना है तो सर प्रॉपर एड्रेस क्या होगा? ये हमारा मेन प्रॉपर एड्रेस है फाफम और नई बस्ती जी सर, प्रयागराज जी सर। और दूसरा शोरूम कहाँ है? ये दूसरा हमारा ये है कमला नगर चौराहा पुराना पेट्रोल पंप के सामने। तो सर ने अभी आपको एड्रेस बता दिया है, तो अब बाकी एड्रेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैप लोकेशन कर दूंगा, और इसके बाद यहाँ पर नंबर आइकन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से सबसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।